राक्षसं ममो देवं पिशाचं जन्मा ममो मानवं। राक्षसं ममो मानवं पिशाचं जन्मा ममो मानवं। राक्षसं ममो देवं पिशाचं जन्मा मनो मानवं। राक्षसं ममो देवं पिशाचं जन्मा ममो मानवं। राक्षसं ममो देवं पिशाचं जन्मा ममो मानवं। माजी, आप हाँ बेटा, दरअसल गौरव अपने दोस्तों के साथ बाहर है, उसे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तो सोचा तुझे बता दूं। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, बहू बहुत देर से तेरा इंतजार कर रही थी। इतना भी क्या शर्माना यार, ये हमारी ही सुहागरात है। अच्छा, इसीलिए मुझे अकेला छोड़कर बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे थे ना। जाओ अब उन्हीं के साथ सुहागरात मनाओ। तो ये बात है, तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया था। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? दिखाओ। जरा देखो अपने आप को, गिफ्ट का नाम सुनते ही गुस्सा गायब हो गया तुम्हारा। अब बताता हूं कौन सा गिफ्ट। अरे
सॉरी यार, वो दोस्तों के साथ टाइम का पता ही नहीं चला। बाहर था तो अंदर से दरवाजा किसने बंद किया? देख रही है ये जानने के लिए कि उसके हाथ का बना नाश्ता तुझे अच्छा लगा कि नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। माँ स्नो खाऊं? क्या हुआ? मुझे लगा कि कुछ नहीं। पानी 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 माँ। क्या हुआ? क्या हुआ? बेटा बेटा कुछ तो बोल। जा जल्दी से गाड़ी निकाल, हॉस्पिटल जा। आप संभालो बेटा। बेटा बेटा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फिर होगी ना? अभी तो ठीक है, पर उस वक्त ऐसा लगा कि जान ही निकल जाएगी। प्रीति ओ हाँ, आज सूर्य ग्रहण है, न्यूज में बता रहे थे। अच्छा ओके ओके, कीप ब्रीदिंग।
डॉक्टर साहब, कोई घबराने की बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मां बनने वाली हो। अरे क्या कह रही हैं आप, मजाक मत करिए, कल शादी हुई है हमारी, दोबारा चेक करिए प्लीज। मशीन्स झूठ नहीं बोलती, स्वाति 4 वीक से प्रेग्नेंट है, मे बी शादी से पहले। अरे क्या बात कर रही हैं आप, गौरव इसका विश्वास मत करो, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती गौरव, तुम जानते हो ये एक मिस्टेक है। स्वाति, यहां देखो स्क्रीन पे, देखो यहां पे, ये जो पूरा ग्रे एरिया है ये तुम्हारा बेबी है। गौरव तुम वो देख रहे हो, मेरे पेट के अंदर कुछ है गौरव, वो मेरा बच्चा नहीं है गौरव, वो कुछ और है। अरे कुछ नहीं है वहां पर, तुझे जो देखना था वो मैं देख चुका हूं। नहीं गौरव, गौरव गौरव मेरी बात सुनो, गौरव 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 अपनी आंखों से। अब गौरव, अरे झूठ बोलने की भी अपनी एक हद होती है गौरव, सच में मैंने विश्वास करो गौरव, मैं झूठ नहीं बोल रही। माजी, मैं कसम खाती हूं मेरे दामन में दाग नहीं है। चुप, एकदम चुप, कसम खाएगी इसकी खाती, कोई है तेरे आगे पीछे, मेरी गलती है, किसी अच्छे खानदान में शादी करता तो आज मुझे ये घटिया दिन नहीं देखना पड़ता। तुझे मां से बात करनी थी, तूने कर ली, चल निकल जाओ, चल निकल यहां से। गौरव, मैं कहां जाऊंगी? ये बात तुझे अपना मुंह काला करने से पहले सोचनी चाहिए, समझ गई? चल। एक मिनट, स्वाति कहीं नहीं जाए, मां लेके शादी हो चुकी, अब वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, इस घर की बहू भी है, अब जो है उसे निभाओ। तुम्हारा मैं क्या करूं, किसी और के पाप को अपना नाम दूंगा मैं? ये मुझसे नहीं होगा, अगर आपको अपने सास बनने की जिम्मेदारी निभानी तो आप निभाइए, लेकिन मुझसे ये उम्मीद मत करिए प्लीज।
घिन आती मुझे इससे, और अब ये मेरी बीवी रही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो क्या हुआ? क्या हुआ बहू को? बहू क्यों चिल्ला रही है? हाँ? सब दिखता है ना? बच्चा ठीक है ना? बच्चा? कौन सा बच्चा गौरव? ये बच्चा? अरे होश में आओ, क्या कर रही हो ये? कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें सिर्फ दौरा पड़ा है। क्या बोल रहे हो गौरव? कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब ये जरूर कोई सपना देख रहे हैं। बस समझाओ ना कुछ। बेटा 8.5 महीने हो चुके हैं, कुछ दिन और दर्द सह लो। हाँ माँ जी, क्या कह रही हैं आप? 8.5 महीने? माँ जी अभी 2 दिन पहले ही तो हमारी शादी हुई है, और कल आप दोनों मुझे घर से निकाल रहे थे। अरे क्या कह रही हो तुम? तुम ये क्या बोल रही हो? और तुम्हें ये क्या हो गया है? तुम्हारी और गौरव की शादी को 1 साल हो चुका है। स्वाति, स्वाति शांत, एकदम शांत, सुनो। तुम बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। स्वाति देखो, तुम मुझे देखो, मुझे देखो, एकदम शांत। डॉक्टर ने कहा था कि ऐसे सिचुएशन में तुम्हें ऐसे दौरे पड़ेंगे हमेशा के, तुम चीजें भूल जाओगी, तुम्हें अजीब सी चीजें दिखाई देंगी, और शायद तुम कभी कभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठो। इट्स नॉर्मल, इट्स ओके, तुम बस दवाई ले लो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। जरा आंखें उठाकर देखो तो सही में क्या लेके आया हूँ हमारे होने वाले बच्चे के लिए। देखो मैं दवाई देता हूँ, चिंता मत करो तुम। ये ठीक है, तुम आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे। सब ठीक हो जाएगा।